दोस्तों सब्सक्राइब करिए शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल को, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जरूर बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर एंड इंटीरियर डिजाइनर। स्वागत करता हूं आप सभी का शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बताएंगे अगर आप 2022 में किस तरह से एक स्मॉल कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उससे बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट है और किस तरह से आपको स्टार्ट करना है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है तो किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार बिजनेस के बारे में, वो है कंस्ट्रक्शन बिजनेस। दोस्तों आप में से सब बहुत लोग जानते होंगे कंस्ट्रक्शन बिजनेस टॉप 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस में आता है और इस बिजनेस से बहुत सारा लोग बहुत जल्दी करियर में ग्रोथ किए हैं। तो चलिए दोस्तों डिटेल्स में बात करते हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस किस तरह से आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकता है, और आप इस बिजनेस को करके चाहे आप शहर में बिलोंग करते हो चाहे आप विलेज एरिया में बिलोंग करते हो, आप वहां से घर बैठे अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप एक सिविल इंजीनियर है तो कोई बात ही नहीं है, आप बहुत ही जल्दी इस बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा एंड नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 2022 में कंस्ट्रक्शन बिजनेस का स्कोप क्या है। देखिए दोस्तों इंडिया का इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, 20-30 इयर्स तक बहुत अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन होने वाला है। और 2021 में हम लोग जानते हैं जो कोविड का टाइम आया था, अभी भी थोड़ा बहुत उसका असर है, तो इससे क्या हुआ था कंस्ट्रक्शन मार्केट थोड़ा डाउन चला गया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा, एक साल जो काम रुक गया था वो काम बहुत ज्यादा ग्रो करेगा और इस मार्केट को एक बहुत अच्छा पीक पॉइंट में लेके जाने वाला है। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, आपको जल्दी से जल्दी इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस एंड नॉलेज गेन करना है और इस बिजनेस को स्टार्ट कर देना है। तो कुल मिला के 2022 में कंस्ट्रक्शन बिजनेस का एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा और ये बिजनेस आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा के दे सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसको स्टार्ट करने में क्या चाहिए। दोस्तों देखिए एक स्मॉल कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर आप इंडिया में खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इनिशियल लेवल पे एक लाइसेंस चाहिए होता है। जैसे कि आप अगर विलेज एरिया में या फिर म्यूनिसिपैलिटी में एरिया में बिलोंग कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा लेवल पे काम नहीं करना चाहते, स्टार्टिंग लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आप एक ट्रेड लाइसेंस निकाल सकते हैं। ऑल इंडिया में कहीं पर भी काम करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं या फिर बड़ा कंपनी का प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको एक कंस्ट्रक्शन फार्म रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे कि सोलो पार्टनरशिप पे आप कर सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी में कर सकते हैं, तो ये सब जो भी है आपको अच्छा खासा नॉलेज प्रोवाइड कर देगा एक इनकम टैक्स कंसल्टेंट। तो आप इनकम टैक्स कंसल्टेंट के पास जाइए और आप अपना फार्म रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए जो कि 8-10 हज़ार में हो जाता है। और आपको एक करेंट अकाउंट चाहिए जो कि कोई भी बैंक में आपको आप खोल सकते हैं, और उसके लिए आप जो भी कंपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। तो इस तरह से आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का रजिस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। अगर आप विलेज एरिया में काम कर रहे हैं या फिर छोटा लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आप पंचायत में जाइए और बोलिए आपको एक ट्रेड लाइसेंस चाहिए, तो कुछ सालाना अमाउंट पे करके आप उस लाइसेंस को निकाल सकते हैं। शहर एरिया में भी सेम है, म्यूनिसिपल एरिया में भी सेम इस तरह से काम होता है। तो आप उस लाइसेंस को लेके कोई भी प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। लाइसेंस आपको मिल गया, फिर आपको किस तरह से स्टार्ट करना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा काम। प्रोजेक्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप इससे पैसा नहीं कमा सकते। तो प्रोजेक्ट लेने के लिए आपको थोड़ा बहुत मार्केट में जानकारी आपका फैलाना होगा और आपको थोड़ा बहुत अपना आपको थोड़ा बहुत खुद का प्रमोशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक छोटा सा ऑफिस रेंट कर सकते हैं। अगर आप शहर एरिया में बिलोंग करते हैं तो कोई भी एक अच्छा लोकेशन पे आप एक छोटा सा ऑफिस ले सकते हैं रेंट पे। अगर आप विलेज एरिया में बिलोंग करते हैं तो थोड़ा बहुत जो अच्छा जगह है वहाँ पर आप कोई भी ऑफिस रेंट ले सकते हैं, और इसके लिए बहुत बड़ा ऑफिस का जरूरत नहीं है, एक छोटा सा घर लेके भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और अपना जो कंपनी है वहाँ पर आप इनिशियल लेवल पे दो मिस्त्री को हायर कीजिए जो कि एक मैसन होगा, फिटर को आप हायर कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास काम आएगा तो आपको इनिशियल लेवल पे उस काम को देने के लिए लेबर चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा खासा मिस्त्री रहेगा तो उनका एक लेबर का टीम रहता है, तो आपको लेबर अरेंज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, और छोटा मोटा अगर काम होता है तो आप उनसे ही काम चला सकते हैं।
आप उनको मंथली कुछ पैसा भी प्रोवाइड कर देंगे तो वो लोग खुश हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों के पास हमेशा काम नहीं रहता है। तो इस तरह से आप उन लोगों को हायर कर सकते हैं। और अगर आप अकाउंटिंग का काम नहीं संभाल पाते हैं तो आप कोई अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रिश्तेदार हो या फिर दोस्त वगैरह हो तो आप उनसे काम चला सकते हैं। अदरवाइज आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है अगर आप अकाउंटिंग का काम नहीं जानते हैं। तो फिर आपको, अगर आप सिविल इंजीनियर है तो आपको बेसिक लेवल पे नॉलेज होगा किस तरह से काम होता है। अगर आप एक इंजीनियर नहीं हो, आप दूसरा किसी डिग्री होल्डर हो, आप काम स्टार्ट करना चाहते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपको इसमें नॉलेज लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप इंजीनियर हो तो आप खुद ही प्लान एस्टिमेट बना सकते हैं। नहीं कर पाते हैं तो कोई इंजीनियर को हायर करके उनसे प्लान एस्टिमेट बनवा लीजिए। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप मुझसे प्लान एंड एस्टिमेट बना सकते हैं। मैं इस तरह से बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहा हूँ अभी का टाइम पे। तो अगर आपके पास प्लान एस्टिमेट हो जाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से आपको काम करना है और उस काम में कितना मटेरियल, कितना क्वांटिटी में लगेगा और उसके लिए कितना रेट होगा। जब आपको प्रोजेक्ट का रेट पता चल जाएगा तो आप क्लाइंट से एक अमाउंट डिमांड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में एग्जैक्टली 4 लाख लगेगा, तो आप क्लाइंट से 10% या फिर 20% प्रॉफिट में आप उनको ऑफर कर सकते हैं। इस अमाउंट में आप उनको काम डिलीवर करके देंगे तो क्या होगा, आपको लॉस होने का चांस घट जाएगा। आप विदाउट एस्टिमेट काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। और इस तरह से आपको काम लेना है। और आपके पास जब एक ऑफिस हो जाएगा, आप थोड़ा विजिटिंग कार्ड वगैरह बनवा लीजिए और जो मिस्त्री लोग होता है उनसे थोड़ा टाई अप कीजिए, या फिर हार्डवेयर शॉप का ओनर है उनसे भी थोड़ा टाई अप कीजिए, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारा काम रहता है। तो उनसे आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। आप सोशल मीडिया में थोड़ा आपका प्रमोटिंग कर सकते हैं, आपका कंपनी का प्रमोटिंग कर सकते हैं। गूगल ऐड से या फिर फेसबुक ऐड से आप अपना लोकेलिटी में एक कैंपेन चला सकते हैं और अपना ब्रांड को सबके सामने लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना ब्रांडिंग एंड प्रमोशन कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट का बात होता है तो यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं होता है। आप थोड़ा दिमाग से काम करते हैं तो आप विदाउट इन्वेस्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर खुद का ऑफिस है आपके पास तो रेंट वगैरह के लिए कुछ पैसा आपको लग सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए उतना पैसा नहीं लगता है। जैसे कि इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट आप ले लिए तो उस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको कुछ एडवांस मिल जाता है। आप स्टार्टिंग में उस एडवांस से काम चला सकते हैं और बाद में थोड़ा थोड़ा करके पैसा आप ले सकते हैं और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है एंड में, क्योंकि एंड में आपका खुद का पैसा लगाना होता है और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपको क्लाइंट से पेमेंट मिलता है। तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत रेडी रहिए। और अदरवाइज आप सही क्लाइंट का सही काम कर रहे हैं, क्लाइंट अगर अच्छा होता है तो आपका खुद का पॉकेट से कोई पैसा लगता ही नहीं है। आप क्लाइंट का पैसा से काम करते हैं और उनसे प्रॉफिट मार्जिन और उनसे आप प्रॉफिट अच्छा खासा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से पहले आप क्लाइंट को जांच कीजिए और मार्केट को समझिए, काम को समझिए, फिर आप कोई प्रोजेक्ट को लीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आप काम स्टार्ट कर देंगे तो आपका लॉस हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो में 100 लाइक होना चाहिए। तो वीडियो को देखने के बाद आप इसको लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगला एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो के साथ बने रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इतना ज्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।